अगर आपको भी कोई स्वप्न में दर्शन दिखाई देता है या स्वप्न में किसी के बातों को सुनते हैं जो लगता है कि आप ही की ओर से हैं, या कोई वचन सुनाई देता है या कोई घटना को आप देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर आपसे और हमसे बात करने के लिए लगातार अपने वचनों को या अपने दूतों को या और किसी जरिए को हम तक भेजते रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेरितों के अध्याय 2:17 वचन में कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आज भी अपनी योजनाओं को और इच्छाओं को आप पर उंडेलता है। कई बार आपके किए हुए प्रार्थना का उत्तर भी देता है, मगर बहुत बार हम उन सपनों और दिखाए गए दर्शनों को हल्के में लेकर यह कह देते हैं कि यह तो केवल स्वप्न ही था। कई बार तो आप बहुत कुछ दर्शन में देखने के बावजूद भी मनन ना करने के कारण सुबह उठते ही उसे भूल जाते हैं, और ऐसा कई महीनों तक, कई दिनों तक लगातार चलते रहता है। अय्यूब 33:14 अध्याय में परमेश्वर कुछ यूं लिखता है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मैं एक बार नहीं वरन दो बार बोलता हूँ, परंतु लोग उस पर ध्यान नहीं लगाते, अर्थात मन नहीं लगाते। स्वप्न में वह रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, तब परमेश्वर आत्मा से बात करते हैं, हमारी आत्मा को वो जगाकर उससे बातें करते हैं और आत्मिक दुनिया के हकीकत को दिखाना चाहता है। कई दासों को, कई पास्टरों को और कई भविष्यवक्ताओं को भी परमेश्वर इसी रीति से घोर निद्राओं के द्वारा स्वप्न में या दर्शन में बातें करता है और आत्मिक दुनिया की हकीकत को दिखाता है। जिस तरह परमेश्वर दानियल को रात के गहरे निद्रा में उसको उसकी आत्मा को लेकर दर्शन में लेकर गए और दर्शन में वो महिमामय और अद्भुत वो जगहों को दिखाया जहाँ पर वो देखता है परम प्रधान और यीशु मसीह को एक साथ देखता है, और उस दर्शन का भेद को कुछ इस तरह से लिखता है और कहता मैंने सदा काल के रहने वाले का दर्शन पाया है करके, और यह कहता मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे, उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। आप इतना जाने कि ये सब दर्शन को दानियल अपने पलंग पर रात में देख रहा था। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे, फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। यह सब घटना वह रात के स्वप्न में देख रहा था और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। हालेलुया, दानियल यीशु मसीह के आने से पहले का एक दास है, लेकिन परमेश्वर उसको दर्शन में स्वयं भविष्य के प्रभु यीशु मसीह को उसको दिखाया, और देखते हैं कि वही प्रभु यीशु मसीह बादल ओढ़े हुए उसके सिंहासन के पास, अति प्राचीन के पास आता है और सारी प्रभुता और सारी प्रधानताएं वहीं प्राप्त करता है। इसी तरह परमेश्वर बहुत से विश्वासियों को, भविष्यवक्ताओं को अपनी महिमा और अपनी योजना दिखाता और बताता रहता है। आपको बस यह समझना होगा कि स्वप्न और दर्शन दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, स्वप्न और स्वप्न दर्शन या जागे जागे देखते हुए, खुले आंखों से देखते हुए दर्शन, ये दोनों अलग अलग होता है। स्वप्न जो आप नींद में देखते हैं उसे केवल आपका मन देखता है। आप एक बार और इसे रिवर्स करके जरूर सुनना, स्वप्न जो आप देखते हैं नींद में वो उसको आपका मन देखता है, और स्वप्न में या जागते हुए जो दर्शन आप देखते हैं या किसी का पूरा अस्तित्व को देखते हैं उसे आपके मन और आत्मा एक साथ देखते हैं, जिसे स्वप्न में दर्शन कहते हैं। और ये इसी के अनुसार से आए सपनों को कई बार, अर्थात मन के अनुसार आए हुए सपनों को कई बार आप भूल जाएंगे, मगर आत्मा और मन
का एक साथ देखे दर्शनों को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, वह परमेश्वर और उसके जनों को देखेंगे। हो सकता है कि आप चुने हुए ना हो, या पास्टर या प्रेरित या भविष्यवक्ता ना हो, या कोई सामर्थ्यजन ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपका मन शुद्ध है तो आपसे स्वर्गदूत बातें कर सकते हैं, घटनाओं को, योजनाओं को, कल क्या होने वाला है उसको बता सकता है। ऐसी दशा में अर्थात स्वप्न के दौरान आपका मन जो देखता है उसका असर आपके शरीर पर भी होता है। जैसे आप घटने में किसी का एक्सीडेंट होते देख लिए और सपने में ही रोने लग गए या चिल्लाने लग गए, तो आपका बिस्तर में पड़ा शरीर भी वैसे ही हरकत करेगा। बिना आपके जगे आपके आंखों से आंसू और शरीर में चिल्लाने की आवाज़ होने लगेंगी, जिसे आप तो नहीं समझेंगे लेकिन आपके घर वाले आपके चीखों को, आपके आंसुओं को जान लेंगे जो आपके साथ में रहेंगे। मगर जब आपको परमेश्वर स्वप्न के दौरान दर्शन के लिए ले जाए, उस समय आपके शरीर घोर निद्रा में मुर्दों के समान पड़ा रहता है और परमेश्वर आपकी आत्मा और आपके मन को ले जाता है और शरीर को छोड़ देता है। और बहुत बार आपके शरीर मुर्दों के समान बिस्तर में पड़ा रहता है और एक ही पल में अर्थात कुछ ही पल में परमेश्वर आपको सारे भेदों को, दर्शनों को जो दिखाना चाहता है उसे दिखा देता है। कई बार परमेश्वर यूहन्ना को लेकर गया और बड़ी बड़ी भेदों को दिखाया। यूहन्ना पतमुस नामक टापू में था, वह कैद में था, लेकिन दर्शन के लिए वह स्वर्गदूत के पास चला जाता था, प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के पास चला जाता था और सारी घटनाओं को, सारे करूबों को, सारे चार पंख वाले जितने भी शराप और कुरूप थे उन सारे चीज़ों को वो देखता था और वापिस अपने शरीर में आ जाता था। कुछ ही पल में ये सारी घटनाओं को देख डालता था। ठीक इसी तरह शैतान भी, क्या आप जानते हैं, शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को कुछ ही पल में, जब उसकी परीक्षा हो रही थी प्रभु यीशु मसीह की, तब शैतान ने कुछ ही पल में जगत के सारे वैभव को उसको दिखा दिया। आज ही बहुत से लोगों को वो कुछ ही पल में बहुत सी चीज़ें दिखा देती हैं और गुमराह करके गिरा देती हैं। ठीक इसी तरह से परमेश्वर भी स्वप्न के दौरान दर्शन में परमेश्वर हमसे अपनी योजनाओं को, अपने भेदों को और कीमती दर्शनों को हम पर उंडेलता है। अब आप जो कोई भी हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, तो सावधानी और मनन के साथ इस बात को समझना कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि परमेश्वर आपसे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है या आने वाली घटनाओं को बताता है या आपके परिवार के साथ क्या होने वाला है ये भी परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा बताता है। और कुछ दूत तो आपके साथ साथ रहते हैं, वही आपसे बात करते हैं। जब आप स्वप्न देखते हैं और आपको पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति को मैं देखा हूँ, लेकिन आवाज़ आया है उसका, मैंने उसका शब्द सुना हूँ, ऐसा लगा कि वो मेरी ही तरफ का है, वो परमेश्वर के दूत रहते हैं जो आपको दिया हुआ रहता है। हालेलुया। इस दौरान में आप और भी मजबूती के साथ इन बातों को, इन अर्थों को समझें, और ऐसी घटनाएं आपके साथ हो तो निश्चय आप अपने पास्टर के पास जाएं या उन अर्थों को बताने वाला जिसके पास दान हो, स्वप्न के या दर्शन के अर्थों को बताने वाला जिस पास्टर, जिस प्रेरित के पास दान हो, उसके पास अपने इन दर्शनों को बताना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि कई बार हो सकता है आप इन दर्शनों का दान तो पा गए होंगे, स्वप्न का दान पा गए होंगे, लेकिन भेदों को खोलने का, इसका अर्थ को बताने का आपके पास दान ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पास्टरों से या आप उससे अगर संपर्क नहीं कर पाए रहे हैं, तो हमारे इस नंबर में जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है व्हाट्सअप नंबर में आप संपर्क, निश्चय आपको सारे भेदों को आपको बताया जाएगा और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा जितना परमेश्वर हमको समझा सके। अब आपको क्या करना है इसी स्थिति में, जब इन सब घटनाएं आपके साथ हो या आप रात के दिए हुए दर्शनों को सुबह तक भूल जाते हैं, तो आज फिर से आप कोशिश करें और रात्रि में सोने से पहले आप परमेश्वर से यह कहकर सोना कि हे परमेश्वर, आज आप मुझसे बातें कर, आज आप मुझसे अपने भेदों को उंडेल दे पिता, मैं आज अपने ध्यान को और अपने कानों को आपकी ओर लगाऊंगा और शिष्य के समान आपकी बातों को सुनूंगा, आप मुझसे बात कर पिता, तो निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा। क्योंकि इसराइल का पहला भविष्यवक्ता, हमारा बाइबल का पहला भविष्यवक्ता को जब
परमेश्वर ने पुकारा और कहा हे समुएल, तो वो हैरान हो गया था, वो नहीं समझ पाया था और परमेश्वर उससे फिर आगे बात नहीं किया। और क्या देखते हैं कि वो अपने अगुआ के पास जाता है और पूछता है एली के पास जाकर कि क्या आपने मुझसे बात किया। एली ने, जो उसका अगुआ था, उसने कह दिया मैं बेटा तुझसे बात नहीं किया हूँ। फिर वो जाकर सो जाता है और फिर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर उससे बोलता है समुएल। फिर वो क्या देखता है, वो शब्द दो बार हो गया आते हुए, ऐसे तीन बार हो गया आते हुए, अब तीसरी बार में एली, जो उसका अगवा था, वो कहता है कि हे मेरे बेटे समुएल, एक बार जा और सो जा, अब तीसरी बार अगर आवाज़ आए तो उसको कहना कि बोल प्रभु तेरा दास सुनता है करके। हालेलुया। तब क्या देखते हैं, जब उसने अपने होठों को खोला और कहा कि बता बोल प्रभु तेरा दास सुनता है, तब परमेश्वर ने अपने सारे भेदों को, गुप्त बातों को, दर्शनों को समुएल पर उंडेलना चालू कर दिया। इसी तरीक़े से आपसे भी परमेश्वर अपने दर्शनों को, महिमा को, भविष्यवाणी को उंडेलेगा, क्योंकि लिखा है सारे दान वरदान एक तरफ और भविष्यवाणी का दान एक तरफ, क्योंकि अन्य अन्य भाषा और बहुत सारी चीज़ें तो खुद की उन्नति करती हैं, लेकिन भविष्यता कलीसिया की आँख होती है। जो आप दर्शन देखते हैं, जो आप स्वप्न दर्शन देखते हैं, वही भविष्यता हैं और वो कलीसिया की आँख होती हैं। जो कलीसिया की आँख हैं, वही कलीसिया को मजबूती से आगे लेकर जाती हैं। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा निश्चय आशीषित करें और इस वीडियो को आप गहराई से समझें, और भी आने वाले समय में हम आपको और भी गहराई और भेद भरी बातों को बताएंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में आप सब सलामत रहे। आमीन, आमीन।